सो वेलकम बैक माय नेवर टू अनदर वीडियो। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हेन टू अप्लाई फॉर पोलैंड स्टडीज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब आपको स्टडी डिसाइड कर ली कि मतलब पोलैंड में करनी है, तो कुछ चीज़ें कंसिडर करना कि कौन सा मंथ चल रहा है। तो सबसे पहले तो डेडलाइंस वगैरह मैं बता देता हूँ। अक्टूबर इनटेक अगर है तो ये समझो कि अगस्त तक जिसने एडमिशन ले लिया उसका चांस फिर भी है कि उसको वीज़ा मिल जाएगा और वो आ जाएगा। अगर आप अगस्त के बाद सो के उठ रहे हो सितंबर में, तो भाई बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि सब डेडलाइन अगस्त में होती है, अगस्त 15 तक, अगस्त 20 तक हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरने की, ठीक है। और पोलैंड में अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़ हैं, वॉर्सो व्रॉत्सोव जिसमें मैं रहता हूँ उसको व्रॉकलो भी कहते हैं कई लोग, क्रैकोव, ठीक है, गडांस्क, ठीक है। तो ये सारी जगह हैं और यहाँ पे आप स्टडीज़ अपनी अप्लाई करोगे। तो अगर अक्टूबर इनटेक में आ रहे हो तो भाई अगस्त तक एडमिशन लेके फीस भर देना, ठीक है। और अगर आप स्टार्ट करने का टाइम पूछ रहे हो कि कब से एडमिशन अप्लाई करना चाहिए, तो भाई अप्रैल एंड से स्टार्ट हो जाती हैं और मार्च से भी आप स्कॉलरशिप वगैरह देख सकते हो, ठीक है। नावा की स्कॉलरशिप, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी ऊपर, है ना, देख लेना आई बटन में। तो अगर आपके मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, टॉपर्स में से हो आप, तो स्कॉलरशिप ज़रूर कंसिडर करो, लेकिन उसकी डेडलाइन मार्च में है। तो ये वीडियो अगर आप अभी देख रहे हो तो भाई अच्छा टाइम है, और अगर आपने ये वीडियो लेट देखी है तो स्कॉलरशिप तो भूल जाओ, अब डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई करनी है आपने, ठीक है। फ़ीस भरनी है आपने बेसिकली। भाई मैंने भी फ़ीस भरी, मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली, बट एनीवेज तो आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा देखो, अक्टूबर इनटेक के अलावा होता है फेब्रुअरी इनटेक, ठीक है। तो फेब्रुअरी इनटेक में समझो फैब में अगर आप आ रहे हो, है ना, फैब इनटेक का मतलब ये होता है कि फैब में पढ़ाई कमेंस हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर दिसंबर जनवरी बिगनिंग, ठीक है, तब तक आपने फ़ीस भर देनी है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, अब जैसे अक्टूबर मेन इनटेक होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन ओपन करती हैं बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन फेब्रुअरी इनटेक में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं पोलैंड में जो ओपन करती हैं, ज़्यादातर स्टेम फील्ड वालों के लिए ओपन करते हैं, साइंस फील्ड वालों के लिए, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो या कई ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी होती हैं और कॉमर्स के लिए भी, बट मोस्ट लाइकली फेब्रुअरी में बहुत कम चांसेस होते हैं, स्लिम चांसेस होते हैं, आपको वीज़ा सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है। तो अक्टूबर इनटेक में जो भी आ रहा है भाई, गुड लक, तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी जो भी फैब इनटेक में आएगा उनको थोड़ा हार्ड लक होगा, तो देख लेना भाई अपना अपना। बाकी आई रिकमेंड अक्टूबर इनटेक, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आते हैं तो सब आ जाओगे जितने भी अप्लाई करोगे, और जो भी जेन्युइन बंदा होता है भाई उनका वीज़ा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। मेन इशू हमेशा फाइनेंसिस का होता है कई बार, ठीक है। अगर आपका गैप ज़्यादा है तो भाई गैप का एक रीज़न होना चाहिए वैलिड, है ना, अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो आई कैन नॉट हेल्प, ठीक है। तो वो आपका रीज़न होना चाहिए गैप्स वगैरह का, क्योंकि जो लायक बंदा होता है भाई उसको मिल जाता है वीज़ा, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। इनटेक फैब और अक्टूबर इनटेक मेन होता है, उसमें आ रहे हो तो अगस्त तक फ़ीस भर देना, जनवरी में आ रहे हो तो भाई फैब इनटेक में आ रहे हो तो भाई जनवरी बिगनिंग तक आपका सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए, फ़ीस से लेके वीज़ा अपॉइंटमेंट वगैरह की डेट्स मिल जानी चाहिए, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें आपको पता है कि कब आना है और कब अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे, ठीक है। मान लो आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो भाई अपना 12th का जो सर्टिफिकेट है ना, जो मार्कशीट है उसको अपोस्टाइल करा लेना, ठीक है। और ये होगी स्कूल लेवल की बात, ठीक है। लेकिन जो अब मास्टर्स करने के लिए आ रहा है तो बैचलर्स वालों को ट्रांसक्रिप्ट अलग होती है, डिग्री अलग होती है, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करा लेना, लीगलाइजेशन कराना भी कहते हैं डॉक्यूमेंट्स का, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैम्प लगता है उसमें, एक SDM का स्टैम्प लगता है और एक वकील का स्टैम्प लगता है, ठीक है। तो तीन लेयर्स होती हैं जो कंप्लीट करनी होती है, या तो आप खुद ही कर लो अपने एरिया में जो लॉयर है उससे, उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट से, उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जाके करवा लो, ठीक है। लेकिन मैं एजेंट्स वगैरह होते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता कोई भी एजेंट, बट आप गूगल पर सर्च करोगे, खास करके बड़ी बड़ी सिटीज़ में, दिल्ली में तो खास करके है, तो मैं दिल्ली से आता हूँ तो मेरे को दिल्ली का पता है भाई, एजेंसीज होती हैं, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हो और वो आपका पोस्टल करवा देंगे।
भाई जेन्युइन लोगों को देना, किसी भी एजेंसी को मत दे देना, जो एजेंसी का सही में ऑफिस हो वहाँ जाके फिजिकली खुद जाके देना, दे आना डॉक्यूमेंट, वो लोग आपको बता देंगे नेक्स्ट डे या डे आफ्टर जो भी होगा आपको मिल जाएगा। वर्किंग डेज 1 या 2 दिन लगते हैं बस, ठीक है, वीकेंड्स पे शायद काम नहीं होता ये, तो जो भी है ये ध्यान रखना। तो इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल नहीं करवाना पड़ता, आईएलटीएस वगैरह या कोई भी चीज़, ठीक है, मेन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने पड़ते हैं जिस भी लेवल पे आप आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में कई लोगों को पता भी नहीं होता है जो अप्लाई करते हैं, फिर उनको धीरे धीरे एक दिन झटका लगता है और पता लगता है। अगर आपने मेरी वीडियोस अभी रिसेंट में देख ली है और अभी आप अप्लाई करने वाले हो क्योंकि अभी अप्रैल आ रहा है, तो गुड लक गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी जल्दी मिल गई और ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको, है ना। और अपोस्टाइल कराना पड़ेगा भाई डॉक्यूमेंट, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है और उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो पैसे लगेंगे, मैं मार्केट का रेट बताता हूँ, 1500 से 3000 का रेट है एक डॉक्यूमेंट का, मान लो ट्रांसक्रिप्ट है तो एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब वो एक डॉक्यूमेंट का रेट जो है वो इसके बीच में होना चाहिए, अगर कोई भी आपसे उससे ज़्यादा ले रहा है, कोई 4000 ले रहा है एक डॉक्यूमेंट का, भाई उससे मत करवाओ। और भी है मार्केट में, सर्च कर लो, ठीक है, 2-3 जगह फ़ोन लगा लो और उसके बाद फिर जिससे अच्छा लगे या खुद ही विज़िट करो, जो दिल्ली रहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा भाई खुद ही विज़िट करो, सामने से जाके देखो और भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं पोस्टर कराने की नहीं, अगर आ रहे हैं तो भाई डॉक्यूमेंट दे दो भाई साहब और पैसा दो, काम कराओ और एडमिशन्स अपने अप्लाई करवाओ एंड पोलैंड आ जाओ। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है ना। बाकी मैं बोलता नहीं हूँ हर वीडियो में, कभी कभी मेरे को ध्यान में आता है कि चलो आज बोल देते हैं, बट ऑलवेज आई ट्राई टू राइट इट, यू नो, सब्सक्राइब लिखा हुआ मैं बोलना पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे को जेन्युइन सब्सक्राइबर चाहिए जो वीडियोस देखेंगे एंड तक, नहीं भी देखेंगे एंड तक बट उनकी हेल्प हो। माय मेन मोटिवेशन इज़ टू हेल्प यू गाइस। सो या दिस वाज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।